आई सैट विद सलमान सर एंड उन्होंने कुछ वर्ल्ड म्यूजिक सुनाया मुझे एंड उनके जो इनपुट्स थे हाउ ही वॉन्टेड द सॉन्ग टू साउंड वो सारी चीज़ें ध्यान में रखी बंजारा बनाते वक्त. तो जब गाना बना मैंने जब उनको भेजा गाना तो उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ बोली कि सुपर बंजारा बंजारा Hi, this is Sohail Sen and you're watching BollywoodHangama.com. Welcome to the very first episode of Musically Yours on Bollywood Hangama, and we have with us a talented music composer, singer Sohail Sen, who's two films From Sydney with Love and Ek Tha Tiger is coming up for release. It's a huge pleasure to have you on Bollywood Hangama. Pleasure. You're a singer-composer and you're having, I think, Ek Tha Tiger is definitely a big release that is coming up. You've composed three songs and one has been composed by Sajid Wajid. That is, Mashallah has been composed by him. And you have composed Banjara, Sayara and Lapata. So, tell us about this experience, that composing for a Salman Khan film. I'm sure that everything that you must be doing right now must be just scrutinized in a big way. Absolutely. See, when I first started composing songs for Ek Tha Tiger, first of all, जो दिमाग में मेरे था कि ज़्यादा pressurized ना रहे and नहीं तो usually big banners like it's a first film with Salman Khan and then Yash Raj movie, तो कहीं ना कहीं वो pressure रहता है कि to always give your best, but I always keep that aside and what is true to the script, कोशिश हमेशा वो ही रहती है. एंड फिर देन जो इनपुट हैं सबके, आदित्य चोपड़ा जी के, सलमान सर के एंड कबीर खान के एंड सब इतने म्यूजिकल हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे इट वाज लाइक मोर ऑफ लाइक एन ईज जॉब. काफ़ी मज़ा आया उसका म्यूज़िक क्रिएट करने के लिए एंड क्योंकि जिस तरीके से मूवी जाती है फोर सिटीज़ अक्रॉस फोर सिटीज़, जैसे डबलिन में एक गाना है तो एक क्यूबा में है, तो वहाँ के जो एलिमेंट्स यूज़ करने में मज़ा आया. जैसे सैयरा मैं भी सुन रहा था तो उसमें कुछ एक मिडल ईस्टर्न आपने उसमें एक एलिमेंट रखने की कोशिश करी है, जो आई थिंक रबाब मेरे ख्याल से आपने शायद यूज़ किया है एंड लाइव आपने यूज़ किया है मेरे ख्याल से रबाब. सो कुछ अगर आप सैयरा के बारे में बताना चाहें, मोहित चौहान हैज़ सांग इट ब्यूटिफुली एंड तरन्नुम मलिक आई थिंक शी हैज़ अ वंडरफुल पोर्शन इन द मिडल ऑफ इट. हालांकि सिर्फ मेरा नहीं बट ऑल ओवर यशराज में एंड म्यूज़िक हालांकि दो दिन पहले रिलीज़ हुआ है एंड आई एम ऑन ट्विटर ऑल्सो, तो काफ़ी लोगों के ट्वीट्स आए हैं कि दैट दे लव सैयरा एंड मेरे भी वो कहीं ना कहीं इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज़ दिस वाज़ द फर्स्ट टाइम आई वाज़ वर्किंग विद मोहित चौहान एंड आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम मोहित हैज़ सांग फॉर सलमान. आई थिंक सो, या दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट मोहित हैज़ सांग फॉर सलमान. तो वो एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा था व्हेन मोहित केम एंड व्हेन ही हर्ड द सॉन्ग. हालांकि जो लिरिक्स हैं, काफ़ी लोग पूछते हैं कि सैयारा का मतलब क्या है, तो सैयारा इज एन उर्दू वर्ड व्हिच मींस लोनली प्लैनेट. कौसर मुनीर हैज रिटन द लिरिक्स. या कौसर मुनीर, आई थिंक शी इज डन अ फैब जॉब. इवन इशक ज़ादे में भी उनके गाने थे. राइट राइट, उनके साथ भी मेरा पहला सॉन्ग है. बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है व्हेन यू वर्क ऑन अ स्पेसिफिक सॉन्ग, जैसे सैयारा है तो दैट इज द ओनली सॉन्ग इन द मूवी व्हिच इज अ रोमांटिक सैड सॉन्ग, चाहे वो कबीर खान हैं या आदित्य चोपड़ा जी हैं एंड कौसर मुनीर एंड मी, तो हम सब ने बैठ के कोशिश यही की है कि उस सिचुएशन को जस्टिस किया जाए. मोहित चौहान ने फर्स्ट टाइम ये गाना सुना तो ही वाज लाइक कि दिस इज बाय फार वन ऑफ आई थिंक इट्स साउंडिंग ब्यूटीफुल. एकदम बिल्कुल मधोश करने वाली आवाज़ उनकी है, एकदम बिल्कुल लग रहा है एकदम बिल्कुल रोमांस में डूब कर एकदम वो नेचुरली भी उनको ख्याल आता है. व्हाट वाज सलमान्स रिएक्शन व्हेन ही लिसन टू दिस सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड हाउ वाज द वीडियो लुकिंग ऑफ दिस सॉन्ग. वो तो आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा एंड जब सलमान सर ने सुना तो इवन ही लाइक्ड इट अ लॉट एंड उन्होंने काफ़ी प्रेज किया बिकॉज दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम विथ हिम. उनके जो इनपुट्स हैं, उनके जो कमेंट्स हैं वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं बिकॉज ही इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आपको सिर्फ अच्छा लगाने के लिए ही वोंट से, अगर गाना अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है. जब उनसे प्रेजेस मिले इस गाने को लेकर तो आई वॉज वेरी हैप्पी. साए ये मेरे है तुझ में समाए,
सैयारा मैं सैयारा सैयारा तू सैयारा सितारों के जहां में मिलेंगे अब यारा आसमान तेरा मेरा हुआ ख्वाब की तरह धुआं धुआं आसमान तेरा मेरा हुआ ख्वाब की तरह धुआं धुआं ओ जाए जा तू जाए पाए मुझे ही पाए साए ये मेरे है तुझ में समाए सैयारा मैं सैयारा सैयारा तू सैयारा सितारों के जहां में मिलेंगे अब यारा लापता इज अनदर सॉन्ग विच इज आई थिंक साउंडिंग वेरी नाइस पलक has sung it along with KK. In fact, Palak is one of the singers jo ki ek from Sydney with Love, maybe ye gana unka hai, Naino, Naino ne, which is a beautiful song in fact. Tell us about Lapata, it's sounding beautiful and I think ye Cuba mein based hai? Cuba mein hai. To jab ye situation aayi thi ke Cuba mein ek romantic gana hone wala hai, to obviously wo ek thodi bahut रिसर्च शुरू हो जाती है कि क्या एलिमेंट्स यूज़ करने चाहिए जब मैंने रिसर्च की तो फिर देन वहाँ ब्रास सेक्शंस बहुत यूज़ होते हैं देन देर आर तुम्बास कोंगास एंड स्पेनिश गिटार्स ये बहुत यूज़ होती हैं अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जिस वक्त ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो वी डिडंट हैव द प्रॉपर ब्रास सेक्शन फिर हमने सोचा कि कैसे किया जाए तो फिर कबीर खान जो डायरेक्टर हैं ही केम अप विद एन आइडिया कि जब शूट क्यूबा में कर रहे हैं तो वहाँ के म्यूजिशियंस क्यों नहीं इनकॉर्पोरेट किया जाए सो देन आई सेंड द फाइल्स फ्रॉम यर टू क्यूबा फिर वहाँ पर जो ब्रास सेक्शन है एंड कोरस सेक्शन है एंड जो जो स्पेनिश गिटार्स हैं जो गाने में सुन रहे हैं वो ऑल रिकॉर्डेड इन क्यूबा ओके सो हु कोऑर्डिनेटेड ओवर देयर इट्स पीपल फ्रॉम यशराज तो वो एक्सपीरियंस एक बहुत अच्छा था कि बाहर के म्यूजिशियंस के साथ कोलैबोरेट करना एंड टू वर्क ऑन अ स्पेसिफिक सॉन्ग के ढूंढो हमें हम है कहाँ ओ भूले से फसाने हैं जमी से बेगाने हैं देखो हुए हम तो हवा दिल 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 के किनारे खाबों के नीचे है खोया खोया अपना जहाँ मेरा पता दिल के किनारे ख्वाबों के नीचे है खोया खोया अपना जहां मेरा पता भूला पता वो शो हवा एला पता Banjara, Sukhvinder Singh. Yeah. This song has got a huge potential of turning out to be, I think many can say that maybe a theme song for Salman Khan as well, that someone who's been just going in search of something or the other. So, kuch Banjara ke bare mein bataye aap. It's also very close to my heart because that was the very first song which we recorded for Ekta Tiger. मैं उनके घर गया था सलमान सर के हालांकि उस वक्त लंच कर रहे थे वो तो मी एंड कबीर भी बोथ वर देयर तो उनका जो एनवायरनमेंट था घर का वो सो नाइस के मुझे इतना अच्छा लगा इट वॉज जस्ट लाइक अ फैमिली उसके बाद देन आई सैट विद सलमान सर एंड उन्होंने कुछ वर्ल्ड म्यूजिक सुनाया मुझे एंड उनके जो इनपुट्स थे हाउ ही वॉन्टेड द सॉन्ग टू साउंड वो सारी चीज़ें ध्यान में रखी बंजारा बनाते वक्त जब ये गाना रिकॉर्ड किया तो वो उस वक्त डबलिन में थे शूट कर रहे थे एंड ये गाना क्योंकि वहीं हुआ है
डबलिन में, तो जब गाना बना मैंने जब उनको भेजा गाना तो उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ बोली कि सुपर्ब, तो वो मेरे लिए आई वॉज वेरी हैप्पी कि जब ये गाना कंपोज किया था तो आदित्य चोपड़ा जी इंस्टेंटली सेड, मैं बोलने वाला था तो उन्होंने बोला कि ये गाना तो सुखविंदर जी से ही गवाना चाहिए। बहुत पावरफुल वॉइस है उनके और इसमें आ रही, और इवन जो रिदम आपका जो अरेंजमेंट्स बैकग्राउंड में आई थिंक विच इज वेरी जस्ट आई थिंक कॉम्प्लीमेंटिंग हिज वॉइस परफेक्टली। रिदम डिजाइन आई थिंक बहुत ही फंडू किस्म का है, मतलब आई थिंक आई एम लुकिंग फॉर द पिक्चराइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉन्ग बिकॉज आई डोंट नो आई थिंक दैट पर्टिकुलर सॉन्ग कैन वर्क लाइक बिग टाइम। Alright, so in the entire experience of Ekta Tiger, this is your, some would say that maybe first big film, because when it comes to Mere Brother Ke Dulhan, bahut kamyab film hai, music bhi bahut kamyab raha, lekin when you're having a superstar and that too who's on the peak of his career and jis tarikhe se kaha ja raha hai Ekta Tiger ke promos ko dekh ke that this is going to be by far his biggest hit ever, and in that context कितना आपको अच्छा लगता है या कितना आप कुछ क्या प्रेशर फील करते हैं एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑफर्स हैव यू स्टार्टेड गेटिंग सिंस द टाइम द म्यूजिक हैज कम आउट। हालांकि प्रेशर नहीं रहता कभी भी, कोशिश यही रहती है कि अच्छा काम किया जाए एंड एट द एंड ऑफ द डे इट्स द ऑडियंस हु डिसाइड कि आपके गाने अच्छे हैं या बुरे हैं। बस यही है कि एवरी वन हु इज एसोसिएटेड विद द फिल्म हैव डन देयर बेस्ट, तो इंशाल्लाह आई होप के द मूवी डज वेल। सुहेल इज़ द सन ऑफ मिस्टर समीर सेन हु इज़ पार्ट ऑफ दिलीप सेन समीर सेन, एक बहुत ही उम्दा म्यूज़िक कंपोजर्स की जोड़ी रह चुकी है एंड आई थिंक समीर साहब जो हैं इंडस्ट्री में बहुत मशहूर हैं एज अ रिदमिस्ट एज वेल। जी बिल्कुल, समवन हु इज़ गॉट अ वंडरफुल कमांड, ही इज़ प्लेड रिदम फॉर मेनी कंपोजर्स, बिग कंपोजर्स ऑन सम बिग प्रोजेक्ट्स, सो व्हाट सॉर्ट ऑफ इनपुट्स डू यू गेट फ्रॉम हिम एंड किस तरीके का एक रिदम के लेवल पे मेलोडी भी उनकी बहुत जानी जाती है। जी बिल्कुल, ये दिल लगी गाने आज भी बहुत मशहूर हैं। हाँ, क्योंकि मेरा शुरू से रहा है, चाहे वो बॉट सौराशि हो, खेले हम जी जहाँ से हो, मेरे ब्रदर की दुल्हन हो, कि मैं जब भी कोई भी गाना कोई भी पिक्चर के लिए करता हूँ सो द फर्स्ट थिंग आई डू कि मैं वो गाना सबसे पहले डैड को सुनाता हूँ, क्योंकि वो ही इज़ लाइक द बिगेस्ट क्रिटिक ऑफ माइन एंड वो हार्डली कभी तारीफ करते हैं मेरी कि यार ये गाना अच्छा है या ये गाना अच्छा है। जब मैं उनको सुनाता हूँ तो प्रे यही करता हूँ कि उनको पसंद आए एंड ऑब्वियसली अगर आपके फादर एक म्यूज़िक कंपोजर है तो आपको एक बहुत हेल्प हो जाती है, जो एक करेक्ट इनपुट आपको मिलता है कि मैं आपको किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन आस्क योर डैड के भाई इसमें क्या खामियां हैं या इसमें क्या और इनपुट मैं डाल सकता हूँ, तो जो भी उनके वैल्यूबल कमेंट्स होते हैं ऑलवेज ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दैट।